सो so, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक कर दूंगी आप जरूर उसे चेकआउट करना और आज हम करने वाले हैं हॉल वीडियो पहले मैंने सोचा था कि ट्राई ऑन हॉल करेंगे बट बिकॉज आई डेंट गेट टाइम टू वॉश ऑल दिस स्टफ तो ट्राई ऑन हॉल नहीं होने वाला है दिस विल बी अ हॉल एंड ट्राई ऑन के लिए यू हैव टू स्टे टून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी क्योंकि अभी मैं न्यू ईयर्स के लिए जाने वाली हूँ एक ट्रिप पे तो वहाँ पे आई एम डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस स्टाफ तो आप लोगों को देखने मिलेगा हाउ आई स्टाइल दीज क्लोथ्स एंड इस बार ना आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं क्या मस्त मस्त चीजें लेके आई हूँ एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स ब्लैरिंग राइड इन टू द वीडियो सो मैं किसी भी ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं शो कर रही हूँ मेरे को जो हाथ में पहले पड़ रहा है मैं वही आप लोगों को दिखाऊंगी तो सबसे पहले मैंने जो खरीदा था वो इज दिस डेनिम जैकेट एंड uh, मुझे काफ़ी टाइम से डेनिम जैकेट लेने का मन था एंड आई सॉ वन दैट आई लाइक इन द मॉल बट इट वॉज़ वे टू एक्सपेंसिव और uh, सरोजनी मैं पिछली दो तीन बार जब भी गई हूँ ना तो मुझे ना वहाँ इतना डेनिम होता है कि मुझे समझ ही नहीं लगता कि कौन सा लेना है सो दिस टाइम ये डेनिम जैकेट मैंने देखा और ये मुझे एक नजर में पसंद आ गया था सो आई गॉट दिस वन इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी फैब्रिक एंड काफी ज्यादा सिम्पल वॉशेस में कोई भी वो डिटेलिंग uh, नहीं है फटी वटी वाली मतलब आई डोंट लाइक दैट तो मैंने काफी बेसिक सी ये खरीदी है सो आई गॉट दिस वन फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज एंड आई थिंक इट इज जस्ट स्टील डील मतलब तीन सौ रुपए में डेनिम जैकेट मिलेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था सो नेक्स्ट चीज जो मैंने लिया वो है ये, ये येलो कलर का कार्डिगन इसका कितना ज्यादा सुंदर कलर है

बहुत ज्यादा पतला है उतना ज्यादा मोटा नहीं है सो इट प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ वॉर्म बट स्टिल इट लुक्स वेरी वेरी स्टिलिटी और वो जो ऑटम और स्प्रिंग वाला सीजन होता है ना उसके लिए तो ये ऑन इट्स ओन परफेक्ट है बट ड्यूरिंग द तगड़ा विंटर्स ऑल्सो यू कैन स्टाइल इट इन साइड अ स्वेटर और समथिंग एंड देन यू कैन लेयर इट ऑन टॉप तो ये काफी ज्यादा वैसा के ड्रामा वाइब्स दे रहा है तो मुझे बहुत पसंद आया द कलर एंड द पैटर्न एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल एंड आई गॉट दिस वन फॉर टू हंड्रेड रुपीज आई मीन वाओ सो द नेक्स्ट थिंग दैट फर्स्ट थिंग जो मैंने मार्केट में जाते लिया दीज आर दैर ऑफ सॉक्स आई गोट दीज आर सो प्रिटी पेस्टल कलर्स एंड आई रियली लाइक दैम एंड इनका मटीरियल भी काफी अच्छा है दे आर लाइक कॉटन सॉक्स और काफी ज्यादा सही है एंकल लेंथ है तो सही रहता है मुझे यही लेंथ का सॉक्स पसंद है एंड मैंने पहले भी एक बार सरोजनी से सॉक्स लिए थे और मुझे काफी टाइम लंबा चले थे सो इसीलिए आई गॉट दिस फोर फॉर हंड्रेड रुपीज तो वो ना स्टार्टिंग में सब बोलेंगे कि सौ का दो सौ का बट का चार अमेजिंग सो यू कैन डेफिनेटली चेक दीज सॉक्स इट इज गुड नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस कैप क्योंकि मैं एक ठंडी जगह पे जा रही हूँ एंड मुझे na, कैप ना कैप्स पहनना बहुत पसंद है सो so, अभी तक लाइक आई व्यू अस तो इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिया एंड आई थिंक इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड इसमें यहाँ पे बीड्स लगे हुए हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी फरी फरी और अंदर भी लाइनिंग है तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट uh, और कोजी है वॉम्थ भी दे रहा है कान भी कवर कर रहा है एंड इट लुक्स प्रिटी तो मैंने ये लिया फॉर टू हंड्रेड रुपीज़ नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली वो मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी बट मुझे परफेक्ट कलर परफेक्ट फिट मिल ही नहीं रहा था एंड दिस इज़ दिस ओवर कोट एंड आई गॉट दिस वन फॉर फाइव हंड्रेड रुपीज़ पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि फाइव हंड्रेड में इतना बड़ा कोट कैसे मिल रहा है बट एंड इट इज़ गुड क्वालिटी लाइक इसमें तो कहीं पर भी ऐसा गंदा भी नहीं लगा हुआ है बट स्टिल बिफोर वियरिंग इट मैं इसको एक बार ड्राई क्लीन करवाऊंगी बट द कलर इज़ सो प्रिटी और मैंने इसको ऐसे ऊपर से डाल के देखा था एंड द फिट एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल ये मुझे इतना तो ज़्यादा पसंद आया एंड इतना ज़्यादा अच्छा मटीरियल है एकदम थिक है ड्यूटी इसमें इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है कि इट इज़ जस्ट परफेक्ट फॉर विंटर्स लाइक एकदम तगड़ी सर्दियों के लिए भी ये बहुत बढ़िया है इसको आप किसी भी चीज़ के ऊपर लेयर कर सकते हो एंड देन देर वॉज अ बेल्ट विद इट वो मैंने पता नहीं इधर उधर कहीं पर रख दी है बट इट इज़ लाइक हैवी ड्यूटी ओवरकोट, सो so, इस बार से रोजनी में ना ट्रेंच कोट्स ओवर कोट्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी ऐसे मटेरियल में भी थे जो बेयर वाला मटेरियल होता है ना सब फरी फरी सा उसमें भी काफ़ी सारे ओवर कोट्स थे देन वो जो पतला वाला मटेरियल होता है जिसमें गर्म नहीं लगेगा बट लाइक दो ट्रेंच कोट्स वो भी बहुत सारे थे एंड यू कैन ईजीली गेट देम फॉर फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड रुपीज़ सो इट इज़ स्टील डील अगर ट्रेंच कोट्स ओवर कोट्स क्योंकि इधर तो मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ बट स्टिल आई वॉन्टेड टू स्टाइल दैम वंस और ट्वाइस तो इसीलिए मैंने सरोजनी से ही लिया बिकॉज मॉल्स में जाके यही सेम ओवर कोट मैंने देखा था इट वॉज सॉ फाइव हंड्रेड सॉरी फाइव थाउजेंड सम एंड आई डेंट वॉन्ट टू स्पेंड दैट मच ऑन वन सिंगल पीस ऑफ क्लोदिंग तो इसी लिए मैंने ये लिया एंड आई रियली लाइक इट ओ मुझे मिल गई इसकी बेल्ट सो दिस इज़ द बेल्ट दैट इट कम्स विद सो इट इज़ इन द सेम कलर एंड इट इज गुड क्वालिटी नेक्स्ट जो मैंने खरीदा वॉज दिस बैग तो ये जो मून शेप के बैग है ना ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये एक शोल्डर बैग है एंड uh, मेरे पास था नहीं ऐसा कुछ तो आई गॉट दिस वन इन वाइट कलर वाइट काफ़ी यूनिवर्सल सा कलर है एंड uh, मुझे ऐसा लगता है कि समर्स में मुझे लाइट कलर्स पे उतना ज़्यादा uh, ऑब्सेशन नहीं हो रहा था जितना मुझे विंटर्स में हो गया लाइक आई एम लविंग द लाइटर शेड्स लाइक बेज वाइट्स आई एम जस्ट लविंग दम अभी आपको दिखेगा मेरा ऑब्सेशन लाइटर कलर्स से तो मैंने ये बैग खरीदा फॉर 300 हंड्रेड एंड उन भैया के पास ना काफ़ी सारा कलेक्शन था बैग्स का सो द स्मॉलर वन लाइक दिस साइज वन वो फॉर थ्री और जो बड़ा साइज के थे वो थ्री फिफ्टी रुपीज के थे सो यू कैन इजिली गेट गुड ट्रेंडी बैग फ्रॉम देअर सो काफी अच्छा कलेक्शन था उनके पास देन आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा की जिस फर्स्ट शॉप से हमने शॉप किया था वहां पे सब कुछ वॉज फॉर हंड्रेड रुपीज ईच एंड आई थिंक उन्होंने हमें पूरा वीडियो वगैरह शूट करने नहीं दिया था बट स्टिल शॉप नंबर तो पिछली वीडियो में आ ही गया होगा वहां से मैंने तीन आइटम पिक किए सो द फर्स्ट वन इज दिस रेड स्वेटर एंड इट इज सो ब्यूटिफुल लाइक दिस रेड इज एग्जैक्टली द कलर ऑफ माई लिपस्टिक एंड क्योंकि क्रिसमस भी आ रहा है एंड विंटर्स वगैरह में लाइक आई रियली लाइक रेड कलर इन जनरल सो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल से यहाँ पर बेसिक नेट है और यहाँ पे ऐसे हॉर्जोंटली नेट हो रखा है तो इसका जो नेटवर्क है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा गर्म भी है एंड uh, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आई रियली लव सो अगेन हंड्रेड रुपीज देन अनादर वन देट आई गॉट फ्रॉम देट सेम शॉप वॉज दिस ऑफ वाइट कलर तो इसमें आपको शायद लाइटिंग के वजह से दिख नहीं रहा होगा या दिख रहा होगा तो इसमें ना सब वी में बना हुआ है पूरा डिज़ाइन ठीक है और इसकी जो स्लीव्स हैं उसमें भी काफ़ी ब्यूटीफुल से एक पैटर्न नेट है इसकी जो स्लीव्स हैं वो यहाँ से स्टिच्ड हैं फोल्ड वाली जो स्लीव्स होती है ना इसकी वैसी स्लीव्स हैं एंड इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल सो अगेन फॉर हंड्रेड रुपीज एंड अदर वन आई गोट इन द सेम कलर बट इसका थोड़ा पैटर्न अलग है इट इज लाइक शॉर्टर फ्राम द फ्रंट एंड लॉन्गर फ्राम द बैक और इसकी भी स्लीवस थोड़ी सी मुझे शायद से लंबी होंगी तो फोल्ड करके पहनना पड़ेगा बट इट इज वेरी वेरी वॉर्म दिस वन इज द वॉर्मेस्ट आउट ऑफ द थ्री और ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था मुझे सो आई गॉट दिस वन दिस सेट इजिन अ पैरल मेड इन कोरिया एंड एक्चुअली ये बहुत ज्यादा कोरियन जो लड़कियाँ आउटफिट डालती है ना उसके जैसा वाई बेस का सो आई रियली लव दिस वन अगेन फॉर हंड्रेड रुपीज सो इसी शॉप पे ना एक मुझे यूनिक्लिक का मिला था लाइक ब्रांडेड था वो एंड इट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल बट एंड में मैंने देखा ना उसमें नीचे जरा सी एक सिलाई निकली हुई थी तो मेरा मन नहीं था कि मैं ऐसे काम चलाऊँ चीजें लूँ आई जस्ट बॉट थिंग्स डेट वॉर इन परफेक्ट कंडीशन ताकि भले ही सौ रुपये का है बट स्टिल आई वॉन्ट टू लाइक मेक यूज ऑफ इट जितना चल पाए उतना चला लेंगे सो या दीज थ्री आई गॉट फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज अनदर स्वेटर दैट आई गॉट इज़ अ क्रॉप्ड स्वेटर और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है और इसका बहुत सुंदर सा कलर है पहले मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा था बट फिर जब मैंने देखा इसका मटीरियल वगैरह इट इज़ लाइक वेरी वेरी सॉफ्ट जो मॉल में कपड़े में लेंगे ना आपको ट्रेंड्स और पैंटलून वगैरह में वैसा वाला इसका क्वालिटी है बहुत अच्छा है एंड अगेन इसकी स्लीवस भी फोल्ड करके पहनना पड़ेगा बिकॉज बहुत लंबी स्लीवस हैं एंड इट इज़ अ क्रॉब्ड स्वेटर और इसमें टैग लगा हुआ है एच एन एम का एंड लाइक like, मैंने एच एन एम से लिए हुए स्वेटर्स और टॉप्स तो वेन आई कम्पेयर द टैग इट फील्स रियली लेजे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सही में शायद से एच एन एम का पीस है बिकॉज uh, सरोजनी में काफ़ी सारे रिजेक्टेड पीसेज भी आ जाते हैं जैसे थोड़ा बहुत कुछ डिफेक्ट रहा होना एच एन एम जारा इनके तो काफ़ी सारे बर्श का के भी दिख रहे थे वहाँ पे एंड आई एम रियली हैप्पी विथ दिस फाइन बिकॉज इट इज़ रियली गुड क्वालिटी और मैं इसको देख के छू के मान भी सकती हो कि ये एच एन एम का हो भी सकता है बिकॉज इट इज वेरी वेरी गुड क्वालिटी एंड आई गॉट दिस वन फॉर टू हंड्रेड रुपीज यस सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस स्टोल तो ये वैसा टेडी बियर वाला मटीरियल है एंड इट इज अ गुड लॉन्ग स्टोल इसको मफलर की तरह भी डाल सकते हैं एंड मेरे पास ना इसी मटेरियल का रेड एंड वाइट में एक स्टोल ऑलरेडी है एंड दी स्टोल्स आर रियली रियली वॉर्म लाइक मैं अगर हाफ स्लीव्स भी या पतला सा कोई टी शर्ट डाल के भी उसके ऊपर ये स्टोल डाल लूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्मी देता है सो so, मुझे वहाँ पर देखा कि उधर ना काफ़ी सारे नेटेड भी थे और ऐसे वाले मटेरियल के भी थे तो मुझे तो यही वाला मटेरियल ज़्यादा पसंद आता है बिकॉज इट लुक्स आल्सो गुड एंड बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है तो मुझे ये वाला मटेरियल बहुत पसंद है सो आई गॉट दिस वन उनके पास काफ़ी सारा कलेक्शन था टेक्स्चर्स पैटर्न प्रिंट्स प्लेन कलर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डार्क लाइट बेज वाइट एवरी एंड दिस वो फॉर वन फिफ्टी ये मैंने वो थरी से लिया था सो इट वॉज लाइक फिक्स प्राइस सो आई गॉट दिस फॉर वन फिफ्टी रुपीज़ हम बहुत ज्यादा थक चुके थे और ये चीज ना मुझे लेनी और मुझे इसका तो काम आएगा नहीं इट इज अ बाथरूम एंड आई गॉट इट इन वाइट कलर वो एक टावल वाला टेडी बेयर वाला मटीरियल है इसका काफी सॉफ्ट है और बहुत सुंदर लग रहा है सो आई गॉट दिस बाथरूम फॉर टू हंड्रेड रुपीज फ्रॉम शॉप नंबर थर्टी वन और थर्टी टू आई एम नॉट श्योर बट आई एम कंफ्यूज बिटवीन दीज टू शॉप्स इन्हीं दोनों में से किसी एक शॉप से मैंने ये लिया था एंड मुझे ना ये जैसे स्किन केयर वगैरह की वीडियोस बनाने के लिए चाहिए था बेसिकली और मुझे उससे ज्यादा इसका कोई काम आना नहीं था तो आई डेंट वॉन्ट टू स्पेंड लाइक फिफ्टीन हंड्रेड टू थाउजेंड रुपीज ऑन अ बाथरूम फॉर नाउ बिकॉज मुझे पता भी नहीं है कि वीडियो में कैसा लगेगा मैं यूज करूँगी भी या नहीं भी करूँगी सो जस्ट फॉर श्राइंग आई वॉन्टेड टू गेट इट फ्रॉम सरोजनी क्योंकि टू हंड्रेड रुपीज में मिल गया नहीं भी अगर यूज आया सो so, मुझे रिग्रेट नहीं होगा सो so, उनके पास काफी सारा बाथरूम का कलेक्शन था सैटन में देख रही थी मैं सैटिन में नहीं था इस बार कलेक्शन उनके पास एंड अनदर थिंग दैट आई गॉट इज दिस सेट ये भी टेडीवेयर वाला मटीरियल है सो दिस इज अ टॉप एंड दीज आर द बॉटम्स सो दिस इज़ काइंड ऑफ अटट वेयर सेट तो मैंने ये लिया एंड घर आके मैंने देखा कि इस पर ना कुछ डॉक्टर स्टेशन नहीं डी स्टेशन करके प्रिंट हो रखा है मैं वहाँ पर अगर देख लेती तो मैं इसको लेती नहीं बट एनी वेज बहुत ही ज़्यादा कोजी है और वार्म है काफ़ी ज़्यादा एंड कलर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है सो लाइक विंटर्स के लिए नाइट uh, में पहनने के लिए एकदम परफेक्ट है सो आई रियली लाइक दिस तो मैंने ये सेट पूरा ख़रीदा था तो बाथरूम और ये ये मैंने एकदम लास्ट में लिया था जब तक कि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और कैमरा निकालने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इस बार भाई भी नहीं साथ में गया था तो सारे बैग वैग खुद ही टांगे हुए थे तो बहुत ज्यादा थक गए थे तो ये मैंने एक ही शॉप से खरीदा ये शॉप ना जो सरोजनी में मंदिर है उस मंदिर के ही बाहर उन्होंने अपना छोटा सा स्टॉल लगा रखा था और ये सारा स्टॉक उन्होंने मंदिर के अंदर ही रखा हुआ था सो दीज आर द स्टॉकिंग्स ठीक है तो अब ये कैसा स्टॉकिंग है दिस वन इज द पैंटी होस ये ऐसा क्वालिटी में नहीं आया था इट केम प्रॉपर इन द पैकेट पन्नी वन्नी वाला जैसा आप अमेजॉन वगैरह से ऑर्डर करोगे ना वैसे ही पैकेजिंग में था तो इट वाज लाइक ब्रांड न्यू तो इसीलिए मैंने इसको ट्राई कर लिया था एंड इट इज़ गुड क्वालिटी लाइक पैंटी ही होज है बेसिक वाला सो so मैंने ये ब्लैक कलर का खरीदा एंड uh, आई गॉट दिस ब्लैक लेगिंग स्टॉकिंग ये भी डब्बे में आया था सो लाइक ऑल दीज वर ब्रांडेड गुड क्वालिटी थिंग्स ये मैंने अमेजोन पर भी देखा था एंड यहाँ पर मुझे ज्यादा सही प्राइस में पड़ गया इसलिए मैंने इधर से ले लिया उतना ज्यादा उन्होंने डिस्काउंट मुझे दिया नहीं एनी वेज तो ये कौन सी वाले स्टॉकिंग्स है ना लाइक नीचे से सॉक्स पूरा ऊपर लेगिंग एंड अंदर इसमें ना फ्लीस लाइनिंग है तो आपने देखा होगा कि ये टिकटॉक वगैरह पे काफ़ी चल रहा है आजकल तो ये ना सही रहता है कि इसको पहन लो तो ज्यादा आपको लेयर भी नहीं करना पड़ेगा यू विल फील वॉर्म एंड स्टिल पतला लगता उतना है उतना ज्यादा हैवी नहीं लगता कि बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं सो आई गॉट दिस वन एंड देन आई गॉट दिस वन इन स्किन कलर ऑल्सो ये थोड़ा और ज्यादा थिक है एंड इसकी जो फ्लीस लाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है मैंने इसको भी पहन के देखा था सो आई गॉट दिस वन आपने देखा होगा टिकटॉक वगैरह पे काफ़ी चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे भी कि स्किन कलर का फ्लीस लेगिंग के ऊपर आप पैंटी होज वाला ब्लैक लेगिंग डाल लो सो यू कैन स्टाइल स्कर्ट्स एंड शार्टस एंड विंटर्स तो मैंने ये उसी पर्पज से लिया था तो उन्होंने मुझे इसका प्राइस कोट किया था अबाउट सिक्स फिफ्टी या सेवन हंड्रेड रुपीज़ बोल रहे थे वो पहले बट एंड में रो रो के रो रो के ये तीनों चीज़ें मुझे इलेवन हंड्रेड रुपीज़ में पड़ी सो लाइक इट वाज नॉट वेरी वेरी चीप और अफोर्डेबल क्योंकि अमेजॉन पे भी इसी प्राइस में मेरे को मिल रहा था सौ दो सौ ऊपर नीचे बट ठीक है मैं देख के ले आई गुड क्वालिटी सो सही है अच्छा लगा मुझे देन आई गॉट दिस स्कर्ट ये ऐसा पैटर्न में स्कर्ट है स्केटर स्कर्ट टाइप की है तो मैं स्कर्ट्स वगैरह ज़्यादा पहनती नहीं हूँ बट विंटर्स में जैसे आप मॉडर्स uh, तरीके से स्कर्ट्स पहन सकते हो लाइक like, अच्छे से स्टॉकिंग वगैरह नीचे पहन के इट लुक्स ब्यूटीफुल आल्सो और मैंने कभी विंटर्स में स्कर्ट्स स्टाइल किए भी नहीं थे तो मेरा मन कर रहा था एंड दिस इज़ लाइक मोटा वाला मटीरियल इट इज़ वूलन सो so, ये वूल का स्कर्ट है तो ये अपने आप में भी गर्म है एंड देन आई गोट दैट स्टॉकिंग सेट तो मैं इसके साथ वो पेयर करने वाली हूँ तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें ना ब्लैक एंड वाइट भी था बट वो मेरे लिए छोटा था मतलब वो ऐसा था कि वो शायद एकदम आ जाता बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी इसलिए आई गॉट अ बिगर साइज एंड दिस वन आई गॉट फॉर टू हंड्रेड रुपीज और वो भैया इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे ना कि उनके पास कलेक्शन भी अच्छा था और वो भैया भी, भी काफ़ी फ्रेंडली थे बार्गेन भी अच्छे से कर रहे थे सो so, उनकी शॉप पे कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था तो आप चेकआउट कर सकते हो इसके अलावा मैं एक्सेसरीज़ लेके आई हूँ ज़्यादा नहीं लाई हूँ इस बार आई गोट जस्ट गॉट गो टू इयर वरना मैं बहुत सारे एथनिक ज्वेलरी लेके आती हूँ सरोजनी से क्योंकि काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल जाता है लाइक हंड्रेड एट्टी सेवेंटी फ़िफ्टी पे आपको अच्छे हेवी ड्यूटी एथनिक ईयर मिल जाते हैं बट अभी क्योंकि एथनिक मैं विंटर्स में एनी वेज पहनती नहीं हूँ सो देर वॉज नो पॉइंट गेटिंग दैम अभी सो so, मैं ये दो इयर रिंग्स लेके आई हूँ एक ही ऐसे हुप्स हैं रेक्टेंगुलर हुप्स है सिल्वर कलर के एंड इट इज़ गुड क्वालिटी तो मैं ये लेके आई एंड ना ऐसे वाले ईयर रिंग्स मेरे को लेने का मन था पता नहीं मैं पहनती क्यों नहीं हूँ दीज आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल डेंटी से हैं एंड नीचे इनमें ओ उल्टा दिखा दिया एंड नीचे इनमें सा डायमंड लगा हुआ है सो दीज आर लुकिंग वेरी प्रिटी मैंने पहन के देखा था काफी सुंदर लग रहा है सो so ये दोनों मैंने लिए थे थर्टी रुपीज ईच एंड भैया के पास काफी सारा कलेक्शन था लाइक इंटायर थिंग वॉज थर्टी रुपीज इच आप कुछ भी ले लो वॉज थर्टी रुपीज सो आई रियली लाइक द कलेक्शन देयर बट इतना सारा कुछ साथ में देख के ना मैं कन्फ्यूज हो गई थी तो मेरे को दो ये दिखे एकदम से तो मैं यही लेके आई हूँ एंड या दिस वॉज ऑल दैट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी इसके अलावा काफ़ी सारा स्टफ हमने पूजा के लिए लिया था लाइक like, उसने काफ़ी ट्रेंडी से कोरियन इस्थेटिक uh, वाले वो हाफ स्वेटर्स चले हैं वाइट शर्ट्स एवरीथिंग उसने लिया है एंड दोज वो आल्सो वेरी वेरी गुड क्वालिटी एंड वेरी अफोर्डेबल लाइक आई वाज नॉट एबल टू बिलीव कितना सस्ता पता नहीं कैसे मिल जाता है मुझे समझ नहीं लगता बट uh, वो कल घर चली गई बिकॉज ऑफ सम रीजन्स तो अभी उसका हॉल तो नहीं मैं आपको दिखा सकती बट इस बार इट इज़ लाइक वेरी वेरी गुड कलेक्शन इन सरोजनी तो अगर आप अभी तक नहीं गए हो ना आप ज़रूर जा कर एक बार चेकआउट करो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एवरीथिंग वॉज सच गुड क्वालिटी और वहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स हैं जहाँ पर आपको जारा एच एन एम इन सब के भी ड्यूब्स भी मिल जाएंगे एंड कुछ कुछ तो ओरिजिनल ही होते हैं जो यू नो रिजेक्ट हो जाते हैं सो so, वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे एंड प्लस वहाँ पे एक स्टोर uh, है जहाँ पे सारे जारा के लेबल लगे हुए आपको कपड़े मिलेंगे वो ओरिजिनल जारा नहीं होता ऑल दो बट उनमें ना जारा का टैग बट वो सब ना बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है जैसे ये है ये इस पर भी ज़ारा का टैग लगा हुआ था बट uh, uh, ये सब ना बहुत अच्छा क्वालिटी और काफ़ी ट्रेंडी जो इंस्टाग्राम पे चलते हैं ना ट्रेंड में वो सब आपको उधर मिल जाएगा सो आई थिंक यू शुड चेक इट आउट क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है अगर सर्दी में एक दो बार भी आपने पहन लिया और नहीं फिर मन कर रहा है तो फिर भी पैसा वसूल हो ही जाता है सो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो कि मेरे पूरे हॉल में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद आई एंड ऑल्सो लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मैं आगे भी मार्केट वीडियोस करूं या ना करूं एंड uh, आप कभी सरोजनी गए हो कि नहीं मुझे ज़रूर अपने फेवरेट शॉप नंबर्स नीचे बताना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उनको एक्सप्लोर कर पाऊं एंड uh, या अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक इट और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रेन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय